जय मसीह की। क्रिएटिव माइंड 79 चैनल में आपका स्वागत है गाइस। गाइस आज मैं आपको बताऊंगी कलीदार कुर्ता। कलीदार कुर्ते का मेजरमेंट ये है, छाती 36, लंबाई 36, तीरा 17.5 और ये आसन 24 और गला 15, आस्तीन 24। और यही कपड़ा लेने की विधि और ये कपड़ा काटने की विधि कि हमें कपड़ा हमेशा लेंथ में काटना है। ये सारा क्या है, नापा है, जो हमने कलीदार कुर्ता बनाना है उसका नापा है। इस तरीके से ये हमें यहाँ पर ये जो बताया जाता है गाइस कि कपड़ा लेने की विधि कि कपड़ा हमें जब भी लेना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जितना हमें लेना है उसमें हमें 2 जमा करना है। ठीक है, तो ये हमारा बाजू का है, उसके बाजू के लिए भी हमने क्या करना, जितना हमने तैयार करना है उसमें हमने 1 प्लस ही करना है। तो ये देखिए कपड़ा काटने की विधि, कपड़ा हमेशा लेंथ में रखा जाता है, लंबाई में रखा जाता है और फिर उसको काटना होता है, उसके 3 भागों में उसे बांटा जाता है। ये है ड्राफ्टिंग। ये कपड़े की लंबाई में कपड़े को इस तरीके से रखा गया जैसे कि कपड़ा सीधा है और उसको फिर हमने क्या करा इस तरीके से तय करके, और हाइट ये इस तरीके से ये कपड़ा रखा गया। रखने के बाद ये यहाँ से गला हुआ और ये तीरा हुआ और ये है इसकी बाजुएं। जो कलीदार कुर्ता होता है उसमें कली जो है अलग से जुड़ती है, तो ये है कली, यहाँ से कली, ये पॉकेट है। इस तरीके से ये कलीदार कुर्ता बनता है। ये आगे यहाँ पर बटन लगते हैं और ये बाजुएं, जितनी हमने बाजू रखनी है उतनी बाजू। तो इस तरीके से बनकर तैयार होता है। नीचे से ये गुलाई दी जाती है कलीदार कुर्ते, कली में गुलाई दी जाती है कपड़े के साथ रखे। जो हमारा हाइट वाला कपड़ा होता है सीधा, उसमें हमें जब कली रख के कटिंग करते हैं पहले कली कट जाती है और फिर जब हम नीचे से उसको फिर क्या ऐसे करके गुलाई दे देते हैं, तो कलीदार कुर्ता बनकर तैयार होता है। मैं आपको एक कुर्ता दिखाती हूँ, उस कुर्ते को देख के पता लगेगा कि वो कलीदार कुर्ता तो नहीं है, लेकिन जो उसकी नीचे की गुलाई होती है वो इस तरीके की होती है। ये कलीदार कुर्ता इस तरीके से बनकर तैयार होता है, इस तरीके से बनकर तैयार होता है। ये रेडीमेड कुर्ता है लेकिन बनकर इसी तरीके से तैयार होता है। ये स्लीव से आप चाहें तो ये कप लगाएं और ना चाहें तो आप सिंपल ही क्या है यहाँ से हम इसको ऐसे मोड़ लेते हैं बाजू को, इस तरीके से बनकर तैयार होता है। और ये साइड में जो पॉकेट कट होती है तो ये पॉकेट इस तरीके से लगती है अंदर, अंदर की साइड से मैं आपको दिखाती हूँ, ये पॉकेट अंदर से इस तरीके से लगती है। ये सिलाई अलग से इसमें होती है और फिर ये ऐसे मोड़ने के बाद ऊपर से इस तरीके से दिखाई देती है, ये सिलाई है। और जो नीचे से गोलाई होती है कुर्ते की, तो कुर्ते की गोलाई इस तरीके की दिखती है, ये इस तरीके की गोलाई पर कुर्ता बनकर तैयार होता है। इस तरीके की गोलाई से कुर्ता बनकर तैयार होता है। और ये इस तरीके से जो कलीदार कुर्ता होता है उसमें यहाँ पर सिलाई दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पे यहाँ से लेके मुड्डे के नीचे से क्या है कली जुड़कर आती है और वो क्या है इस तरीके से बनकर तैयार होता है। इसमें कली होती है वो ज़्यादा नीचे से घेरदार होता है, तो इस तरीके से बनकर तैयार होता है। तो गाइस आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।